नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दोस्ती में अगर दुश्मनी होती है तो वो वजह होती है पैसा, या फिर वो वजह होती है प्यार, या फिर ब्ला ब्ला। लेकिन जब दोस्ती ख़त्म होनी होती है तो उसकी तस्वीर बड़ी भयानक हो जाती है। और कई बार तो पर्सनैलिटी जो होती है दोस्ती में बहुत बुरा काम कर जाती है। अगर वो दोस्ती महिलाओं में हो, दो महिलाओं में हो, तो उसके जो रेपरकेशंस हैं वो और भी ज़्यादा भयानक होते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी ही कहानी का जिक्र करती हूँ। एक लड़की जिसका नाम वैशाली बंसारा, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी क्या कहिए कि बहुत खूबसूरत, गुजरात के अलावा विदेशों में भी वो शो करती थी। दरअसल वो फेमस सिंगर भी थी और गरबा डांस भी करती थी। अचानक से एक दिन गायब हो जाती है और उसके पति बड़े परेशान होते हैं, और परेशानी की हालत में जाहिर सी बात है कि पति पुलिस में जाकर के शिकायत करते हैं। पुलिस तलाश शुरू करती है और फिर वही सिंगर अपनी गाड़ी में मिलती है। और मिलती कैसे है ये दोस्तों बड़ी दिल को दहलाने वाली बात है। वो गाड़ी में जिंदा नहीं थी और गाड़ी की पिछली सीट पे थी। जाहिर सी बात है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि उसको उसकी जान लेने के बाद उसकी बॉडी को पिछली सीट पे डाल दिया गया था। और जो उसकी जान लेने का तरीका था वो भी बड़ा बेरहम था। लेकिन अब सवाल ये था कि ये हाल करने वाला है कौन आखिर। पुलिस इसकी जांच करती है और जांच ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो पुलिस के सामने बंदी आती है उसको देख करके पुलिस भी हैरान होती है। तो दोस्तों, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप पूरी वीडियो देखिएगा और अगर ये आपको कहानी आपके दिल को कहीं छू जाए तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक और बात, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, गुजरात में गरबे का बड़ा नाम है, बड़ा फेमस डांस है। जैसे हर स्टेट का एक अपना डांस होता है और गरबे की धुन भी बड़ी अलग होती है, और उसको देखने से ही लगता है कि ये जो है एक मस्ती भरा डांस है जिसमें डांडिया लेकर के लोग डांस करते हैं, इसीलिए इसको गरबा कहा जाता है। और जिस कहानी का मैं जिक्र करने जा रही हूँ उसकी मेन जो करेक्टर है वो है गरबा की जानी मानी गुजरात के बलसाड़ की लोक गायिका, जिसकी उम्र है 34 साल, वैशाली बंसारा। 27 अगस्त को वो अपने घर के कुछ काम कह करके जाती है, पति को बता के जाती है, लेकिन फिर वो लौटती नहीं है। और पति उसके म्यूजिशियन है, उसी के साथ उसी के बैंड में वो काम करते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर के विदेशों में भी कई जगह पे अपना शो कर चुके हैं। अब 27 तारीख की शाम को जब वैशाली नहीं लौटती तो कई बार वो फ़ोन करते हैं पति उसके, लेकिन फ़ोन बंद मिलता है। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी पति की चिंता भी बढ़ रही थी। और इसके बाद उसके पति हितेश ने वलसाड़ पुलिस थाने में वैशाली के लापता होने की शिकायत दर्ज की। वैशाली के लिए पुलिस जांच शुरू कर देती है। और अगले ही दिन 28 अगस्त को, यानी कि ये जो रविवार बीता है, रविवार को वलसाड़ की पारड़ी नदी के पास एक लावारिस कार मिलती है। ये ब्लू कलर की बलेनो कार होती है। ये कार वैशाली की थी, लेकिन वैशाली पिछली सीट पे मिलती है, जिसे देख करके पुलिस ने भी तुरंत पहचान लिया कि ये वैशाली है जो एक दिन पहले लापता हुई थी। अब पुलिस वैशाली के इस केस की पड़ताल शुरू करती है। किसने वैशाली का ये हाल किया,
किसने उसको रास्ते से हटाया, ये सब पुलिस जानने के लिए आसपास के जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उनको खंगालती है। करीब 100 से ज़्यादा सीसीटीवी की जांच करने के बाद पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। इससे ये पता चलता है कि आखिरी बार वैशाली को अपनी फ्रेंड बबीता कौशिक के साथ देखा गया था। अब पुलिस ने बबीता कौशिक की डिटेल निकाली, उसकी कॉल चेक की, जिसके बाद ये साफ हो गया कि वैशाली को जब रास्ते से हटाया गया तो बबीता उसके साथ में थी। ये फोन की लोकेशन से भी पता चलता है। लेकिन बबीता के बारे में जब पुलिस ने पूरी तहकीकात की तो पता चला कि वो इस समय 8 महीने की प्रेग्नेंट है, उसका 10 साल का एक बेटा है, और प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल 9वें महीने में चल रही है। मानी के ऐसी हालत में किसी महिला से तहकीकात करना थोड़ा सा अजीब लगता है। पुलिस आजकल काफ़ी सेंसिटिव हो गई है। सो पुलिस ने ये मौके की गंभीरता को देखते हुए, मानवीय पहलू को देखते हुए ये सोचा कि अगर इसको छोड़ा गया, पूछताछ नहीं की गई, तो ये मामला लटक जाएगा, और फिर अगर हेल्थ में कोई दिक्कत हो जाती है पूछताछ के दौरान तो भी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में पुलिस ने एक डॉक्टर को साथ लिया, यानी कि एक पूरी डॉक्टरों की टीम को साथ लिया, और बबीता कौशिक के घर जाकर के ये बताया कि आपकी सहेली अब नहीं रही, जांच में आखिरी बार आपसे बात होने की जानकारी मिली है, इसलिए आपसे कुछ जानकारी पुलिस चाहती है। ये पुलिस के ऑफिसर्स ने वैशाली को कहा, ताकि मतलब बबीता को भी ये ना लगे कि उसे मतलब क्यों वो पूछताछ कर रहे हैं। और इधर बबीता भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाती है, उसे भरोसा हो जाता है कि कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। और तब पुलिस ने बताया कि आखिरी बार जब वैशाली से वो मिलती है तो क्या उसे कोई वहाँ पे सेंसिटिव किस्म का बंदा दिखता है, कोई संदिग्ध उसकी नज़र में आता है। तब बबीता ने पुलिस को घुमाने का एक प्रयास किया और झूठ बोल दिया कि हाँ, आखिरी बार जब वो मिली थी तो उसके साथ 2 लोग थे जिनको वो पहचान सकती है। इस पर पुलिस ने भी खेल किया, पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों के सीसीटीवी फुटेज के फोटो दिखाए, इसके अलावा कुछ और फोटो भी दिखाए, स्टील फोटोग्राफी, ये उन लोगों के फोटो थे जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पुलिस के पास इस स्टेप में वैशाली फंस जाती है, क्योंकि उसने जो तस्वीरें दिखाई थी वैशाली को, वैशाली ने कहा कि हाँ हाँ, इन्हीं को देखा था उन्होंने आखिरी बार। इसके बाद पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल गया। वैशाली के साथ जब उसने बता दिया कि इन इन लोगों को देखा, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को सारी कहानी समझ में आ गई। और फिर होता क्या है, ये नौबत क्यों आती है कि अपनी ही गाड़ी में वैशाली पिछली सीट पे इस हालत में मिलती है। असल में ये पूरा प्लॉट, ये पूरी कहानी, इस पूरी कहानी के पीछे 25 लाख रुपए हैं। ये पैसे वैशाली ने अपनी फ्रेंड बबीता को दिए थे। बबीता और वैशाली करीब 2 साल से अपनी दोस्ती में थी वो, और ये पैसा ब्याज में बबीता ने अलग अलग समय में उधार लिया, जो जुड़ करके 25 लाख हो चुका था। अब कभी कभी वैशाली बबीता से मांग करती कि वो पैसे लौटाए, लेकिन वो टाल जाती। और पिछले हफ्ते भी, यानी कि इस घटना से 7-8 दिन पहले भी, वैशाली ने बबीता से पैसों की डिमांड की, पैसे मांगे, तो वैशाली ने कहा कि ठीक है, 1 हफ्ते में वो पैसे दे देगी। अब पैसे देने की बारी आई तो बबीता ने फेसबुक के जरिए 2 सुपारी किलर्स से कॉन्टेक्ट किया। दोनों ही सुपारी किलर जो है उनका रेट फिक्स हो जाता है। बबीता से वो कहते हैं कि वो अगर 8 लाख देती है तो उसका काम कर देंगे। फिर उसके बाद बबीता और वैशाली में बात हुई। वैशाली ने कहा कि 27 अगस्त को मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, और
वैशाली इसीलिए बाहर जाती है, और उसने बड़ी टैक्टफुली बबीता ने वैशाली को ऐसी जगह पर बुलाया जो एकदम सुनसान सी जगह थी। और इधर बबीता ने इतनी स्मार्टनेस की कि उस दिन वो स्कूटी से घर जाती है, घर से निकलती है और फैक्ट्री से थोड़ी दूरी पर ही वो अपनी स्कूटी खड़ी कर देती है, ऑटो लेकर के दिए हुए लोकेशन पे पहुंच जाती है जहाँ पर वैशाली को भी पहुंचना था। अब बबीता के साथ दो कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आए हुए थे, बबीता और दोनों सुपारी किलर के आने के बाद वैशाली वहाँ कार से पहुंचती है। कुछ देर बात करने के बाद सुपारी किलर ने अपना काम कर दिया और वो निकल गए। इसके बाद कार को कुछ दूर पाड़ी नदी के पास सुनसान जगह पे खड़ा कर दिया गया। अब पूरे खुलासे के बारे में जब वैशाली के पति हितेश को ये जानकारी हुई तो उसने बड़ी हैरानगी जताई, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनकी पत्नी ने 25 लाख रुपए बबीता को दिए हैं। आगे वलसाड पुलिस ने इस जांच को बढ़ाया और एक उनमें से सुपारी किलर को दबोच लिया, जबकि एक अभी उनके अप्रोच से बाहर है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पैसे लिए हैं तो लौटाने चाहिए। अब ये क्या तरीका हुआ कि पैसे ना देने पड़े, इसके लिए दोस्ती का ही गला घोट दिया। दोस्ती की ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, इसीलिए सियाने और बुजुर्गों ने कहा है कि दोस्ती में पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, अब्बल तो करना ही नहीं चाहिए। अगर करना करे भी तो उसको बहुत साफ सुथरे ढंग से करना चाहिए कि आपने 10 रुपये लिए हैं, आप 10 रुपये दिए हुए समय पे लौटा दीजिए। मसलन वो 10 रुपये भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन आपने जो तय समय दिया हुआ है उसमें दे दीजिए। चलिए 2-4 दिन इधर उधर हो जाएंगे, 2-4 महीने इधर उधर हो जाएंगे, आपकी दोस्ती है तो इतना तो बनता है ना। लेकिन आपको पैसे तो लौटाने चाहिए। लेकिन यहाँ बबीता ने क्या किया, बबीता ने वैशाली को, जो एक सिंगर भी थी जिसका जाना माना नाम था, जाना माना चेहरा था, दोनों पति पत्नी ही बहुत पहचान रखते थे शहर ही नहीं विदेशों में भी, उन्होंने बबीता ने वैशाली को ही रास्ते से हटा दिया। दोस्तों आपने दोस्ती की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी जिनमें ऐसी ऐसी कहानियां भी जुड़ जाती हैं। आप क्या कहते हैं इस कहानी के बारे में, मुझे अपने कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलती हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।